खबर दुर्ग से, जहां कोरोना पॉजिटिव प्रसूता महिला का नान को कोविड अस्पताल में प्रसव कराए जाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने इस मामले पर जांच के आदेश देते हुए तीन महिला अफसरों को जांच की जिम्मेदारी दी थी। इधर महिला अफसरों ने जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। वहीं सीएमएचओ ने इस मामले में ओम अस्पताल पर 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ ही अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने का नोटिस जारी किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने एक माह में नोटिस का जवाब नहीं दिया तो अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने कार्रवाई की जाएगी। वहां पर लोगों ने ये नहीं बताया, ऐसा उन्होंने बयान में कहा है कि ये कोविड मरीज है, लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो कोविड है कि नहीं वो जांच कराए। और ऑपरेशन करने के बाद भी जब दूसरे दिन पता चला उनको कि पूछताछ हो रही है तो उसको इमीडिएटली उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया।